हाथरस जिले में पशु विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 2008 से 18 तक शहर में चलाए गए टीकाकरण के अभियान के दौरान 19,45,000 का घोटाला सामने आया है। जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लचका ने तत्कालीन पशु अधिकारी सहित 19 विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए। आपके पास एक शिकायत हुई, जिस शिकायत को आपने गंभीरता से लेते हुए पशु का जो घोटाले का जो मामला है टीकाकरण का, पहले आपने एक जांच कराई, जांच में क्या पाया आपने और क्या कार्यवाही हुई? देखिए, एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि 2008-09 से लेकर 2018 तक जो टीकाकरण हुआ है और उसमें जो वाहन लगे हैं उसमें घोटाला हुआ है, तो उसकी मैंने जाँच पहले ARTO से कराई और ARTO की जाँच में ये पाया गया कि कुछ ऐसे पंजीकृत वाहन हैं जिनको भुगतान किया गया है। उसके बाद मैंने PDDRD और सहायक वरिष्ठ कोषाधिकारी की टीम बना करके जाँच कराई और उसमें 19,45,000 रुपये का फर्जी भुगतान पाया गया है और वो भुगतान ऐसे वाहनों को किया गया है जो अपंजीकृत है, तो उसकी जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को भेज रहे हैं और उसमें कार्यवाही की जा रही है। ये घोटाला आपके समय से पहले का है, 8 से 18 का ये घोटाला है जी? हाँ, 2008 से 2018 के बीच में।